मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज थाने की पुलिस ने तलाशी अभियान चलाकर 1 लाख रुपए के जाली नोटों को बरामद किया। बता दें कि इससे पहले तो कई बार मुर्शिदाबाद जिले से जाली नोट बरामद किए जा चुके हैं और ये सभी 2000 के नोट होती थी, पर पहली बार 500 रुपए की जाली नोट पुलिस के हाथों लगे हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार आधी रात को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने शमशेरगंज बस स्टैंड इलाके से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 500 रुपए की 200 नकली नोटों को बरामद किया। पुलिस का अनुमान है कि अभियुक्त इन नोटों को मालदा से लाए थे, जिन्हें वो झारखंड में तस्करी करने के फिराक में थे। वहीं गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को रविवार को अदालत में पेश किया गया। साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस गिरोह का अन्य सदस्य मुर्शिदाबाद में सक्रिय है या नहीं।